नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं और जब उसमें क्राइम की बात हो जाती है तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि प्यार में सब कुछ जायज़ है, प्यार अंधा होता है, प्यार में वासना होती है। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग किस्म की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। मोहब्बत और नफरत शायद हमेशा किसी भी कहानी का अहम हिस्सा होता है, और ये भी आपने सुना है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। लेकिन बात जब जुर्म की होती है तो वहाँ नफरत को रखा जा सकता है, यानी मोहब्बत और नफरत इसमें सब कुछ जायज है। लिहाजा कहानी के आज के इस एपिसोड में मोहब्बत ने एक अलग किस्म की मिसाल कायम की है, और ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत जो किसी भी हद से गुजर जाए, ऐसा ही एक प्यार, प्यार की हद से गुजर कर जुल्म की दहलीज पार करने का किस्सा बिहार से है, जिसे भी ये कहानी, जिसने भी ये कहानी सुनी वो एकदम से कांप उठा। बिहार की राजधानी पटना से करीब 320 किलोमीटर दूर अररिया जिले के रानीगंज थाने में एक काफ़ी अजीबोगरीब दास्तां सामने आई है। ये कहानी बिहार के अररिया ज़िले के दो गांव की है, जहाँ पे दो परिवार रहते हैं। उसी गांव में उमेश यादव का परिवार रहता था, मिडिल क्लास फैमिली थी। बेटा उमेश यादव अपना काम बड़ी ईमानदारी से करता है, परिवार का पेट पालता था। उनका एक बेटा था छोटू यादव। गांव का लड़का छोटू बेहद शरीफ था, सीधा साधा था, और उसके गांव के काफ़ी नज़दीक में ही दूसरे गांव में एक परिवार रहता है, जहाँ पे एक लड़की है आरती। आरती का परिवार छोटू के परिवार से ज़रा ज़्यादा खुशहाल था, अमीर था, पर आरती के परिवार के लोगों की गांव में अच्छी हैसियत थी, अनक थी, क्योंकि वो थोड़े अमीर थे, उनसे उनकी दबंगई भी चलती थी। इस गाँव में छोटू यादव के नाना नानी भी रहते हैं, यानी कि ये कहा जा सकता है कि आरती के गांव में ही छोटू का ननिहाल था। जाहिर है कि अक्सर छोटू और उसके परिवार का अपने नाना नानी के यहाँ, मामा मामी के यहाँ आना जाना लगा रहता था। छोटू जब भी अपनी नानी के पास जाता, ननिहाल में जाता, तो गांव के दूसरे लोगों से भी मेल मुलाकात करता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा लड़का था, सभी से उसकी दोस्ती होती थी। ऐसे ही उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है। इत्तेफाक से वो लड़का आरती का भाई था। दोनों के बीच अच्छी छनने लगी, अच्छी दोस्ती हो गई, और छोटू ने आरती के भाई से फ़ोन नंबर लिया और दोनों के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई। ये भी आप कह सकते हैं कि दोनों में अच्छा जाना हो गया। करीब दो साल पहले एक रोज़ आरती ने अपने भाई से नंबर लेकर के छोटू से बात की। उसकी पहली बातचीत में ही दोनों ने अपने अपने जो उनके शौक थे वो साझा किए, अपनी बातें शेयर की, अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बात की। उस बातचीत के बाद दोनों को लगा कि ऐसा बहुत कुछ है दोनों में जो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों की पसंद एक दूसरे से मिलती है, उनको एक जैसा खाना पसंद है, एक जैसी बातें, एक जैसी फिल्में, एक जैसे गीत दोनों को पसंद थे। लिहाजा दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने नंबर साझा किए, और फिर चल पड़ता है दोनों के बीच बातों का सिलसिला। वक्त आगे आगे बढ़ रहा था, दोनों की बातचीत का सिलसिला भी आगे बढ़ गया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई, और वक्त के साथ ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन लोगों को खुद को भी पता नहीं चला। मगर देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्बे खाने लगे थे। दोनों ने अभी एक दूसरे को देखा भी नहीं था, क्योंकि आरती अमूमन अपने घर से कम निकलती थी। छोटू भी ननिहाल में जाने के बावजूद आरती के घर कभी नहीं आता था, और ये जो मोहब्बत थी इसके दरमियान छोटू ने एक दूसरे के साथ जीवन भरने का
दोनों ने इस बातचीत में एक साथ जीने मरने का वादा किया, कस्में खाई। हालांकि उस वक्त छोटू की उम्र महज 22 साल की थी। वो अभी कुछ और कमाता भी नहीं था, लिहाजा दोनों के बीच ये भी तय हो गया कि वो पहले कोई नौकरी करेगा, सेटल हो जाएगा, तब वो अपनी सपनों की दुनिया बसाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और ऐसा ही छोटू और आरती के साथ भी होता है। दोनों के बीच प्यार जो पल रहा था, मोहब्बत जो चल रही थी, उसका किस्सा घर वालों तक जा पहुंचा। ये बात जब आरती के भाई और भाभी को पता चलती है तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यह मोहब्बत और नफरत से भी एक बड़ी चीज़ थी, वो थी हैसियत। और ये बात जग जाहिर थी कि छोटू का परिवार हैसियत में आरती के परिवार के आगे कहीं नहीं टिकता था। हालांकि इन सब के बावजूद दोनों में फोन पे बातचीत का सिलसिला जारी रहा। 2 साल तक यूं ही चलता रहा, मगर दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिले। ऐसे में आरती की भाभी ने मोहब्बत की इस कहानी में एक ट्विस्ट पैदा कर दिया। उसने पूरी कहानी को घुमा के रख दिया और घर वालों को इस बात के लिए राजी किया कि मोहब्बत की इस कहानी को यहीं खत्म करना चाहिए, ब्रेक लगना बहुत जरूरी है, वरना खानदान की इज्जत खराब हो जाएगी। लिहाजा घर वालों ने आरती पर पहले तो नजर रखनी शुरू की, छोटू से बात ना करे, इसके लिए उसे तागीद कर दिया, उसे मना कर दिया कि वो बिल्कुल बात ना करे। लेकिन जब ये सिलसिला यूं ही जारी रहा तो आरती के घर वाले अब धमकी पे उतारू हो गए। उन्होंने आरती से कहा कि वो छोटू से बात नहीं करेगी और ये बात वो वहाँ भी पहुँचा दे कि वो कभी गांव में नज़र ना आए, अगर वो गांव में नज़र आया तो वो उसे वहीं पे ख़त्म कर देंगे। छोटू का अपने ननिहाल में आना जाना तो लगा ही रहता था, लिहाजा आरती ने छोटू से कहा कि वो कभी गांव में ना आए, क्योंकि उसके घर वाले ये पसंद नहीं करते हैं। और जुलाई 2022 के दूसरे सप्ताह में छोटू अपने मामा के घर जाता है। जिस वक्त छोटू अपने मामा के घर में दाखिल हो रहा था, तभी आरती की भाभी ने छोटू को देख लिया और फौरन से उसने अपने ससुर और अपने पति को जाकर के इस बात की चुगली खाई कि छोटू अपने मामा के घर में आया हुआ है। छोटू के अपने गांव में आने की खबर पा करके आरती के घर वाले एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के मुताबिक घर के लोग, खासतौर पर आरती की भाभी, उसके पास आती है और कहती है कि छोटू गाँव में आया हुआ है, क्यों ना उसको हम घर में बुला लें। और भाभी ने आरती को झांसा दिया, उसके पापा और भैया छोटू से उसकी शादी करेंगे। आरती अपनी भाभी की बातों में आ जाती है और फौरन छोटू को अपने घर आने के लिए कहती है। साथ ही ये खुशखबरी भी देती है कि घर वाले शादी के लिए राजी हो गए हैं, लिहाजा अब उनकी शादी घर वालों की मर्जी से होगी। अब अपनी जो प्रेमिका है उसको मिलने के लिए और उस रिश्ते को एक नाम मिलने की जो खुशखबरी थी, वो छोटू को बहुत अंदर तक खुशी देती है और वो बेहद मतलब खुश होता है। शाम ढल चुकी थी, देर रात शाम मामा के घर से छोटू निकलता है और सीधा आरती के घर पहुंचता है। आरती का पूरा घर पहले ही छोटू का इंतज़ार कर रहा था। छोटू के घर पहुँचते ही उसे काफ़ी इज्जत से, आराम से घर में बिठाया जाता है, बातचीत शुरू होती है। इन्हीं सब बातों में वो आरती के घर वालों के सामने अपने प्यार का इजहार भी करता है, बताता है कि वो उसको बहुत प्यार करता है, उसने उसको कभी देखा नहीं है। आरती से भी घर वालों ने पूछा तो आरती ने भी कहा कि हाँ, वो उसको बहुत पसंद करती है, ये सोच करके कि अब घर वाले उनकी शादी करवा देंगे। जैसे ही छोटू और आरती के प्यार का इजहार उनकी जुबान से सुना तो अचानक घर वाले छोटू पर टूट पड़ते हैं, डंडे और सरियों से उस पर वार करते हैं, काफ़ी मारपीट होती है उसके साथ। और अपने सामने अपने प्यार की इस कदर पिटाई देख कर के आरती घबरा जाती है। वो बीच बचाव करना चाहती थी लेकिन घर वालों ने उसको भी बहुत मारा और छोटू की इतनी पिटाई करते हैं कि वो अधमरा सा हो जाता है। इसके बाद आरती काफ़ी घबरा जाती है और वो अपने एक रिश्तेदार से मिल करके ये एक तय करती है कि कम से कम छोटू के घर में ये बात पता चल जाए। और उधर उसके पिता और उसके भाई छोटू की लगातार पिटाई किए जाते हैं। उसके बाद आरती
अपने मोबाइल से छोटू की बहन को फ़ोन करती है, उसे पूरा किस्सा बताती है। और आरती ने छोटू के पापा से भी बात की और उन्हें भी बताया कि यहाँ ये सब चल रहा है। छोटू के घर वाले काफ़ी घबरा जाते हैं, एक तो वैसे हैसियत में छोटे होते हैं, और अपने बेटे की पिटाई की खबर सुन करके वो भागे भागे आरती के घर पहुँचते हैं। सबसे पहले छोटू के मामा के पास जाते हैं वो, क्योंकि वो अपने गांव से आ रहे थे। उन्हें नींद से उठाते हैं, पूरा किस्सा बताते हैं, फिर आरती के घर पहुंचते हैं। घर के सारे दरवाजे बंद थे। वो लोग बाहर से आवाज़ देते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तब छोटू के पिता घर के पिछवाड़े की ओर से जाते हैं, वहाँ वो एक खिड़की को देखते हैं जिसके पल्ले खुले होते हैं। उस खिड़की से झाँकते हैं, छोटू के पिता अपना बेटा जमीन पे तड़पता हुआ देखते हैं, जो लगातार पानी मांग रहा था। और पिता को देख करके वो और बेहाल हो जाता है, पानी की मांग करता है। इसी बीच आरती के घर वाले, जो करीब करीब बिल्कुल शैतान की हैसियत में आ चुके थे, वहाँ पहुँचते हैं और छोटू के पिता को वहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं और ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो उनका भी यही हाल होगा। लेकिन छोटू का पिता काफ़ी मिन्नतें करता है कि किसी तरीके से उनके बेटे को पानी पिलाया जाए, जिसे मार मार के उन्होंने अधमरा कर दिया था। तब आरती के पिता छोटू के पिता को घर के भीतर बुलाते हैं और कहते हैं कि पहले इस बात पे समझौता कर लिया जाए, तब फिर आगे की आगे देखेंगे। इसी बीच छोटू की बहन के जरिए पूरे गाँव को छोटू के बारे में पता चल जाता है। सुबह होने शुरू हो जाती है और आरती के घर के बाहर लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अपने घर के बाहर इतनी भीड़ देख करके आरती खुद घबरा जाती है। पूरे गांव में बड़ा गुस्सा होता है और लोग घर के अंदर दरवाज़ा तोड़ के आते हैं आरती के घर में। गुस्साए गांव वालों को देख करके आरती के घर वाले घर के पिछवाड़े से निकल के भाग जाते हैं। और इसी बीच गांव वाले जब तक छोटू को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब तक छोटू की जान निकल चुकी थी। गाँव वालों ने देखा कि छोटू के नाखून उखड़े हुए थे, उसके हाथ पैर तक टूटे हुए थे, जिस्म पर जलने के निशान भी थे, क्योंकि इतनी बेरहमी से आरती के घर वालों ने उसकी पिटाई की थी। वहीं फर्श पे एक बिजली का नंगा तार भी पड़ा हुआ था, तो ये भी समझा जा सकता था कि छोटू को बिजली का करंट दे करके तड़पा तड़पा के मारा गया है। गाँव वाले छोटू को उठा करके हॉस्पिटल लेकर पहुँचते हैं और डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दे दिया। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई और गांव के लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। दूसरे कमरे में बंद आरती को भी बाहर निकाला गया। उसकी हालत बहुत ख़राब थी क्योंकि उसको भी बहुत मारा पीटा गया था। इसी दौरान किसी ने उसको बताया कि छोटू मर चुका है। ये सुनकर के आरती बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आती है तो वो छोटू को देखने की जिद करती है। उसे पोस्टमार्टम हाउस में ले जाया जाता है, जहां वो छोटू से लिपट के बहुत रोती है। इसी बीच पुलिस ने आरती के पिता और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया, मगर गांव के लोग बुरी तरह से गुस्से से पागल हुए पड़े थे। जैसे तैसे पुलिस ने गांव वालों को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के लिए राजी किया। आरती ने छोटू के अंतिम संस्कार में जाने की बात कही और वहाँ पे संस्कार स्थल पर जा कर के उसने छोटू के साथ चिता में जलने की एक खौफजदा जिद ठान ली। बड़ी मुश्किल से लोगों ने आरती को समझाया और छोटू के अंतिम संस्कार के बाद आरती ने अपना एक फैसला सुनाया। उसने कहा कि वो अब उस घर में कभी नहीं जाएगी जहां उसके घर वालों ने उसकी मोहब्बत का कत्ल कर दिया, लिहाजा अब वो ताउम्र उसकी विधवा बन के रहेगी। तब छोटू के पिता उमेश यादव ने सारे गांव के सामने ये कह करके गले लगा लिया कि आज से ये मेरी बेटी है ना, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है। उसके बाद छोटू के पिता आरती को लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में गए, वहाँ उसका इलाज करवाया और इलाज करवाने के बाद उमेश यादव आरती को लेकर के घर चले आते हैं और अब आरती उस घर में उमेश यादव का बेटा बन के रह रही है। दोस्तों, ये जो मैंने आपसे कहानी शेयर की है, ये उन दो प्रेमियों की कहानी है जो केवल फ़ोन पे ही बात करते हैं, कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, एक दूसरे को देखा नहीं था,
शायद से कभी दूर दराज से कोई झलक उनको मिल गई हो, लेकिन वो कभी आपस में मिले नहीं थे और बातों ही बातों में वो एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हो गए कि आरती ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। उसने कहा कि वो अब कभी अपने घर नहीं जाएगी, और वो पहले तो उसने चिता में उसके साथ ही जलने की बात की, लेकिन बाद में जब लोगों ने उसको पकड़ा समझाया तो फिर उसने ये कह दिया कि वो अपने घर कभी नहीं जाएगी। और ये बात जो है छोटू के माता पिता को बहुत भा गई, वो उसको अपने साथ ले आए। इस समय आरती छोटू के पिता के साथ ही रह रही है और शायद से वो अपने प्यार की यादों के साथ अपनी ज़िंदगी पूरी गुजार देगी। ऐसी कहानियाँ बहुत कम मिलती हैं सुनने के लिए। अक्सर तो हम देखते हैं कि प्यार में लोग न जाने कौन कौन सी हदें क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन इसमें आरती और छोटू ने कोई हद क्रॉस नहीं की थी, लेकिन उनको धोखे से उनको निशाना बनाया गया। जैसा कि हम बहुत सारी ऐतिहासिक प्रेम कहानियों में सुनते हैं, उन कहानियों में भी ऐसे ही कभी किसी प्रेमिका को बलि चढ़ा दिया तो कभी किसी प्रेमी को बलि चढ़ा दिया। यहाँ पर पे जो प्रेमी है उसकी बलि चढ़ जाती है, लेकिन प्रेमिका का फैसला एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। ऐसे मैसेज समाज को ये सोचने में मजबूर करेंगे कि एक बार बच्चों की बात जरूर सुननी चाहिए। दोस्तों, आपको ये मेरा कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।